सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति कैसे? 13 सालों में दोगुनी हो गई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। आजादी के बाद किसकी मेहरबानी से भारत में शक्तिशाली बना वक्फ बोर्ड? भारत में सबसे ज्यादा करीब 18 लाख एकड़ जमीन सेना की है, 12 लाख एकड़ रेलवे की, तो वहीं 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन के साथ वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। सिंगापुर, मालदीव, वेटिकन सिटी, बहरीन देशों को भी मिला दिया जाए तो इससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो बहुत कम समय में बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। 2022 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। अब सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी और जमीन आई कैसे? तो इसका जवाब है 1954 में नेहरू सरकार का बनाया वक्फ पैक्ट। 1964 में सरकार ने केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी, लेकिन वक्फ को असीमित शक्तियाँ देने का काम 1995 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा सरकार में हुआ। 1995 का वक्फ पैक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल कोर्ट जाना होगा। अब एक असली कहानी सुनिए। 2022 में तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले बने मंदिर पर वक्फ ने अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया। सोचिए, अगर आप अपनी कोई जमीन या मकान बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर जाएं और वहां पता चले कि आपकी जमीन तो आपकी है ही नहीं, उस जमीन पर तो किसी और का कब्जा हो चुका है, तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा ही हुआ था तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव। मामला वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और उसके दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस की सरकारों ने न सिर्फ कानून बनाकर वक्फ बोर्ड को ताकतें दी बल्कि कई जमीनें खुद ही वक्फ की झोली में डाल दी। 2014 के चुनावों में आचार संहिता लगने से चंद घंटों पहले यूपीए सरकार ने दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने अगस्त 2023 में इन सभी संपत्तियों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन जैसे कन्नौट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपद, संसद भवन के पास, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज में मौजूद थी। ये जमीनें आजादी के बाद तक सरकार के पास थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2014 में अपनी विदाई से पहले इन्हें वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी थी। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण वक्फ को जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। इन सब के बावजूद कांग्रेस 2024 में फिर से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो शायद उसे बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।